नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी इस वीडियो में। आज हम चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका थर्ड पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। उसका जो थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है, डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स। तो ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है और ये हमारा जी एक्स है, एक पॉलिनोमियल, इन दोनों को डिवाइड करना है एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। हमें इसमें से क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकालना है। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो सबसे पहले हम जो जी एक्स है उसको हम, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको हम डिक्रीजिंग फॉर्म में लेंगे। जैसे जी है जो एक्स है इक्वल टू, जो एक्स वेरिएबल है उसको हम इधर ले लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 2 जो है वो प्लस में है तो यह आ जाएगा प्लस 2, और कॉन्स्टेंट टर्म जो हमारी है वो राइट साइड को हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा पी एक्स ऐसे रहेगा। तो लेट अस सॉल्व दिस। इसको हम सॉल्व करें तो डिवाइड करना है तो यह आ जाएगा हमारा एक्स 4 माइनस 5x प्लस 6, तो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो इसमें अगर हमारा ये माइनस एक्स स्क्वायर है फर्स्ट, जो इसकी जो वेरी एक्स की जो पावर है 2 है, और इसमें x की पावर जो है वो 4 है, x 4 है, तो इसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर को हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारा x 4 आ जाए। ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र, एक्स की पावर 4 आ जाएगी 4, क्योंकि माइनस माइनस जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस 2 जो है वो माइनस एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्र। तो माइनस 2x स्क्र लिख देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्स स्क्र की कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पर हमारी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इसका आ जाएगा, इसमें साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो ये माइनस एक्स 4 हो जाएगा और ये प्लस 2x स्क्र हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स 4 और ये प्लस एक्स 4 दोनों कट जाएंगे, तो ये प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर एंड ये माइनस 5x, माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो अब ये है हमारा 2x स्क्वायर और ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है तो इसको हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ये माइनस माइनस प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ गया है हमारा, और यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 जा 4 आ गया है, 6 के नीचे 4 आ गया है और 2x स्क्वायर के नीचे 2x स्क्वायर आ गया है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो यह आ जाएगा हमारा माइनस 2x स्क्वायर, ये 2 प्लस 2x स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, ये आ गया हमारा माइनस 5x ऐसे ही आ गया है, और ये माइनस 4 जो है वो प्लस 4 हो गया है तो यह आ जाएगा प्लस 6 और 4 10 आ गया हमारा, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया है, और कोशेंट हमारा जो है वो ये है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, एंड जो रिमाइंडर है हमारा ये हमारा माइनस 5x प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व करें तो इसको अगर हम चेक करें भी हमारा जो आंसर ठीक है कि नहीं है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा दिस इज डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर, तो हमारा ये डिविडेंड आना चाहिए, तो इसको करेंगे हम, यह आ जाएगा हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू, यह आ जाएगा हमारा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस, यह आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। सो इसको हम जो डिवाइजर है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड मल्टीप्लाई बाय कोशेंट कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा, माइनस 5x प्लस 10, माइनस 5x प्लस 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है कि हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये वैल्यूज जो है वो सेम ही है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसमें हमारा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यह आ जाएगा हमारा इसका जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फार्मूला है वो हमने नाइन्थ क्लास में देखा है, तो होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ए जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर है,
ठीक है, ये हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है और बी है जो हमारा प्लस टू है, ए टू है ओनली। ओके, तो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर ये ए स्क्वायर, ए माइनस प्लस माइनस, और बी का स्क्वायर जो हो गया टू, ये टू हमारा बी है, तो यह आएगा टू का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस टेन। तो माइनस एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो आ जाएगा हमारा एक्स फोर, क्योंकि जो माइनस एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर हो जाएगी। ओके, तो यह आ गया माइनस टू टू जा फोर, और यह आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस फाइव एक्स, और यह आ जाएगा हमारा प्लस 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 टेन। तो यह आ जाएगा हमारा एक्स फोर और माइनस फाइव एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, और माइनस फोर प्लस टेन प्लस सिक्स, तो मेरा ये डिविडेंट आ गया हमारा एक्स फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ओके, सो हमने इसको चेक भी कर लिया है, तो हमारा जो आंसर जो है वो क्वेश्चन एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू ठीक है, और जो रिमाइंडर है जो माइनस फाइव एक्स प्लस टेन जो हमारा वो आंसर ठीक है। तो इसमें हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया है, जिसमें ए जो है वो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है और बी जो है वो हमारा टू है। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।